अच्छा ये देखें अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई है, कितना अच्छा ये देख रहे हैं अब गाढ़ा हो गया, कुछ हमने कस्टर्ड शस्टर नहीं डाला ना कॉर्नफ्लोर, बल्कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा थिक लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें दूध डाल के, क्योंकि लबेशी इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, और अभी ये फ्रिज में जाएगा तो और जम जाएगा। नूडल्स उबाल के भी डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं आप। फिर हम क्या करेंगे, दूध को थोड़ा सा पका के गाढ़ा करेंगे लेकिन फिर भी, ताकि इसका फ्लेवर भी इनहेंस हो। अब हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम और फ्रूट्स जो हमने डाले हुए थे, एंड आप चाहें तो इसमें फ्रेश फ्रूट्स भी कोई डाल सकते हैं इफ यू वांट। अब इसको मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, पिछला बताना हम इसके अंदर भी डाल देंगे और बाकी का तो हम इसमें करेंगे गार्निश। चलें जी, अब डिश में निकाल लिया जिसमें आप सर्व करने वाले हैं। कॉकटेल हमने ऑलरेडी इस पे डाल दी है और अब हम खूब पिस्ते और बादाम इसके ऊपर डालेंगे और फिर मज़े मज़े से इसको इंजॉय करेंगे। फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू इंजॉय इट। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए एक काम तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा, वो है रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना और बेल आइकन पे। बेल आइकन पे इसलिए क्लिक करेंगे ताकि जब मैं रोज़ नई रेसिपी करूं तो आपको फ़ौरन फ़ौरन पता चल जाए कि आज ये बनाया है मैंने। इसी तरह की मज़े मज़े की और रेसिपीज़ देखने के लिए और इजी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ।